Assalamu alaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And I am hoping that you are following all the instructions as I told you in yesterday's lecture. I have advised you not to go outside in the homes without any particular reason. Okay? I hope so you are following the instruction and you are not टीजिंग योर पेरेंट्स एज वेल. आप लोग घरों पर पेरेंट्स को तंग नहीं कर रहे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे एंड वट एवर द टीचर्स आर गाइडिंग यू और गिविंग यू द वर्क. आई होप दैट यू आर डूइंग योर वर्क ऑन रेगुलर बेसिस. ओके स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आर टूडेज लेक्चर. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कम्प्लीटेड आर चैप्टर. हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एंड द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आई हैव ऑलरेडी डन व्हेन यू वर इन स्कूल. ठीक है, आपको कंप्लीट करवा दिए थे मैंने क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द प्लान्स एंड बुक वर्क एज वेल. ठीक है, तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दिस चैप्टर विल बी योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर फाइनल टर्म असेसमेंट. ओके, तो लेट्स ओपन योर बुक्स. ओपन पेज नंबर 61. ओके, पेज नंबर 61. हेयर वी हैव चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड मोशन. ओके, व्हाट फोर्स इज एज द हेडिंग ऑफ द चैप्टर डिस्क्राइब. यू मस्ट नो व्हाट फोर्स इज एंड व्हाट इज मोशन. फोर्स क्या होती है और मोशन क्या होता है. फोर्स मीन्स एनर्जी टू रिक्वायर टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क. ओके, आप इस काबिल होना किसी चीज़ पर फोर्स लगा सको, यानी कि काम करने के काबिल होना, या आपका एनर्जी, वो एनर्जी जो काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो फोर्स कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जर्नल एग्जाम्पल दूंगी. इफ़ यू आर एल, अगर आप बीमार हो, यू आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, हैवी वर्क. ओके, आपको कोई ये कहेगा कि आप कुछ हैवी उठा लें तो यू आर नॉट एबल, आप इस काबिल नहीं होंगे कि वो उठा सके. बट माइट बी पॉसिबल दैट व्हेन यू आर इन हेल्दी कंडीशन यू आर एबल टू लिफ्ट दैट बिकॉज फोर्स और एनर्जी. फोर्स इज अ एनर्जी. ओके, एंड यू कैन गेट एनर्जी फ्रॉम योर डाइट और हेल्दी फूड. एंड वट अबाउट मोशन, मीन्स मूवमेंट. ओके, ओके, आप अगर एक चेयर पड़ी है क्लास रूम में और आपको कहा जाए इस चेयर को उठा कर लेकर जाओ, जी आपके घर पे चेयर पड़ी है, आप उस चेयर को उठा के लेकर जा सकते हो. एक, आपने फोर्स लगाई उसको और उसको उठा लिया, उसको ले गए. सेकेंड, आपने अगर उसे उठाया नहीं है, यू विल पुश. ओके, और पुल दैट चेयर, आप उसे या तो पुश करोगे या पुल करोगे तो वो मूव करती हुई जाएगी. लाइक अगर आपका बेड एक जगह पर पड़ा है और आपने उसे थोड़ा सा हटाना है तो यू विल पुश दैट बेड. ठीक है, यानी कि आप उस पर क्या लगा रहे हो, फोर्स, और फोर्स के रिजल्ट में क्या हो रहा है, मोशन. चीज़ें क्या आ रही हैं, मूवमेंट में आ रही हैं, हरकत में आ रही हैं. ओके, दिस वॉज the description of your heading. I have described these two terms. Let's start your reading. Okay, हम reading start करते हैं. I'm gonna read. मैं read करने लगी हूँ, so focus कीजिए. Okay. Force is the energy. Force is what? Force is energy. Which kind of energy? Which is required to do work. जो काम करने की ये इस्तेमाल होती है. When you open the door of a refrigerator, अगर आप अपने refrigerator का door open करते हैं, you are pulling it, आप उसे क्या करते हो, pull करते हो. When you press the button of the left, अगर जब आप button press करते हो left का, you are pushing it, आप उसे push कर रहे होते हो. A force is an action that changes or tends to change the shape, साइज एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या है?
वो एक्शन है जो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है किसको, शेप को, साइज को और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कैसे? देखिए, आप टेन लेते हैं कोका कोला का या फिर पेप्सी का, किसी भी कोल्ड ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक का कैन ले लें, आप उसे प्रेस करोगे इट विल चेंज इट शेप। ओके, आप अगर पेंसिल पे फोर्स लगाते हो इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगी। ठीक है, इफ आई पुट दैट फोर्स ऑन दिस स्टील स्केल इट विल टर्न। ओके, इसका शेप चेंज हो गया। ठीक, इट वॉज स्ट्रेट बट नाउ इट इज बैंड। ओके, what I am doing, I am putting force and it is changing the shape. Size, if you are pulling the rubber band and stuck that rubber band in two corners or aise do corners mein phasa de, then it will change the size as well. Okay, and the number third is motion of an object, and then you can take the example of a toy car. Toy car jab chal rahi hoti hai aap us par apna force lagate ho तो आप उसे स्टॉप कर देते हो। इवन रिमोट कार भी रुक जाती है आपकी फोर्स के आगे, क्योंकि आपकी फोर्स ज्यादा है। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंट्रोल। आप देखिए, आपकी गाड़ी स्पीड में जा रही होती है बट ब्रेक्स लगाते हो आप, यानी कि उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो वो आपके टायर्स रुक जाते हैं और आपकी गाड़ी स्टॉप कर जाती है। द एग्जाम्पल बिलो शो द डिफरेंस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नीचे बिलो यू हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स विच शो द डिफरेंट अफेक्ट्स, मतलब फोर्स के अफेक्ट्स शो कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ओके, पुशिंग अ मूविंग प्रैम मेक्स इट मूव एंड पुलिंग इट स्लो डाउन और स्टॉप इट्स मोशन। ओके, बेबी प्रैम जो होता है उसमें बेबी होता है और उसे पुश करते हो तो आगे की तरफ मूव करेगा, और अगर उसे पुल करोगे स्पीडली, अगर उसे चला रहे हो आप एकदम से, आप उसे पुश कर रहे हो चलाने के लिए, आगे की तरफ पुश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसे रोकना है तो आप इसे पुल करोगे अपनी तरफ खींचोगे तो इट विल स्लो डाउन, या तो आस्ता हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा, इसकी मोशन रुक जाएगी। चलते हुए प्रैम को रोकेंगे तो वो रुक जाएगा। नंबर टू, पुशिंग द बैलून चेंजेस इट्स शेप एंड साइज। आप बैलून में हवा भरें थोड़ी सी और उसे पुश करें, यानी कि अपने हैंड्स में प्रेस करें, उसका साइज भी चेंज हो जाएगा, उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। लाइक आपका बैलून अगर राउंड है तो वो इस टाइप का, लुक एट द डायग्राम, देखिए फिगर को देखे, हमने चेंज हो गया। लाइक पुलिंग अ स्टेशनरी टॉय मेक इट मूव, एक स्टेशनरी टॉय है रुका हुआ, अगर आप उसे पुल करोगे तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी मोशन चेंज हो रही है, किसकी वजह से, फोर्स। फोर्स इन अदर वर्ड कैन से दैट इज अ पुलिंग और पुशिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है, किसी भी चीज को पुश और पुल करना। ओके, पुलिंग का रबर बैंड चेंजिंग इज शेप, रबर बैंड को अगर आप पुल करोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इवन यू कैन टेक द पोनी ऑफ योर सिस्टर, आप अपनी सिस्टर का जो हेयर बैंड है पोनी लें, उसे अगर आप स्ट्रेस करें पुल करें तो उसका भी शेप चेंज हो जाएगा। नाउ कम ऑन पेज नंबर 62। We have seen from the examples that a force, push or pull, force क्या है, किसी चीज़ का push or pull करना, या फिर वो force जो required होती है काम करने के लिए या फिर ability to do work, that a force can do the following। force क्या ये काम कर सकती है, क्या कर सकती है, change the shape or size of an object, किसी भी object का शेप एंड साइज चेंज कर सकती है, नंबर वन। नंबर टू, मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स मूव, जो चीजें रुकी होती हैं उसको मूव कर सकती है। ओके, नंबर थ्री, स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई चीजों को या तो हल्का स्लो कर सकती है या स्टॉप कर सकती है। ठीक है, यू कैन ट्राई एंड सी दीज अफेक्ट्स ऑफ फोर्स बाय योर सेल्फ। These are the example you can apply anywhere. Take a stationary object, whether it is your book, copy, or you can take a ball. Ball लीजिए, ball रुकी होगी, अगर आप उसे push करोगे तो वो move करना start हो जाएगी, और moving ball के आगे hand रख दोगे तो वो क्या होगा, या फिर उसे आप उसे pull करोगे अपनी तरफ, अगर आप उस पर tape से धागा लगा लें तो वो तो स्लो डाउन होगी। आप एक बॉल लें
और उस पर टेप से धागा लगा लें, लाइक एक बॉल लिया, टेपिंग कर लें, धागा लगा लें, हैंड में पकड़ लें एक कॉर्नर बॉल से अटैच कर दें। हाथ में पकड़ने के बाद उससे ढीला छोड़ दें, बॉल को पुश करें, बॉल मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे तो बॉल पहले स्लो डाउन होगी और उसके बाद स्टॉप हो जाएगी, या तो स्लो डाउन हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थी, बॉल पड़ी थी, आपने फोर्स लगाई, मूव करना स्टार्ट हो गई, आपने उस पर पुलिंग फोर्स लगाई तो वो स्टॉप हो गई। और उसी बॉल को इफ़ यू आर टेकिंग द प्लास्टिक बॉल इट कुड बी बेटर, ओके, प्लास्टिक बॉल लोगे तो अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो बॉल थोड़ी उसकी शेप चेंज हो जाती है, ऐसी हो जाती है, पिचक जाती है। ठीक है, लाइक अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, यानी कि उसका शेप भी चेंज हो गया, उसका साइज भी चेंज हो गया। इट इज अ ईजी एग्जाम्पल, यू कैन डू प्रैक्टिकली। ओके, नाउ हेयर वी हैव न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का लॉ मोशन का क्या कहता है, वी विल सी इन दिस टॉपिक। न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन बहुत अजीम साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ही इंट्रोड्यूस्ड वेरियस लॉज ऑफ मोशन, उन्होंने हमें लॉज दिए हैं, मोशन के कवानीन दिए हैं जो फिक्स्ड हैं, ठीक है, जिस पर आपकी फिजिक्स वर्क करती है। एक्शन एंड रिएक्शन, एक उसमें क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन हर ऑब्जेक्ट जो है उसका जो एक्शन है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, मीन्स इट इज लॉ ऑफ मोशन दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नाउ लेट्स स्टडी इट एंड रीड इट। वेयर डज अ टेनिस बॉल बाउंस बैक, एक टेनिस बॉल लें, आप उसे वॉल के साथ अगर हिट करोगे तो वो बाउंस बैक यानी कि रिटर्न आएगी, टकरा के वापस आपकी तरफ आएगी। वेन यू स्ट्राइक इट ऑन द वॉल, जब आप उसे वॉल से हिट करेंगे। वेन द टेनिस बॉल एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द वॉल, जब टेनिस बॉल वॉल पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। देखिए, आप उसे थ्रो करेंगे तो वो फोर्स के साथ जाएगी और वॉल को हिट करेगी। द वॉल ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन द वॉल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वॉल क्या करेगी, वो भी इक्वल फोर्स लगाएगी, किस पर, वॉल पर, ऑन द वॉल, बट दैट फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि आपने टेनिस बॉल ली, दिस इज द वॉल, अगर आप वॉल पर हिट कर रहे हो तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो वॉल भी बॉल पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, बोथ एरोज आर ऑपोजिट। ठीक है, वॉल यहाँ हिट करेगी, देन इट विल बाउंस बैक टूवर्ड्स यू, इट विल चेंज द डायरेक्शन। मीन्स दिस इज एक्शन फोर्स एंड दिस इज रिएक्शन फोर्स, बोथ फोर्सेज एक्सर्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट बट इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ड्यू टू दिस फोर्स, इसी फोर्स की वजह से द बॉल कम्स बैक, बॉल वापस आप तक आती है। व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, द सेकेंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, जो सेकेंड बॉडी है फर्स्ट बॉडी पर इक्वल फोर्स लगाती है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, वॉल है आपकी, दिस इज वॉल एंड दिस इज बॉल, ठीक है, बी फॉर बॉल, डब्ल्यू फॉर वॉल, ये बॉल आपकी फर्स्ट बॉडी है, वॉल आपकी सेकेंड बॉडी है। एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाई तो दूसरी बॉडी ने क्या किया, फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाई, फोर्स कितनी लगाई, इक्वल फोर्स लगाई जितनी फर्स्ट बॉडी ने लगाई थी, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, डायरेक्शन इज चेंज्ड। ठीक है, ये बॉल यहाँ आ रही थी, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाई, दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पर फोर्स लगाई, बट द डायरेक्शन इज चेंज्ड। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल इज कॉल्ड एक्शन। वो फोर्स जो किसने लगाई, बॉल ने लगाई वॉल पर, उसे क्या कहा जा रहा है, एक्शन फोर्स। And the force exerted by the wall on the ball, जबकि वो फोर्स वॉल ने बॉल पर लगाई इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में, मीन्स द डायरेक्शन इज चेंज्ड ऑन, इज कॉल्ड रिएक्शन। वो फोर्स क्या कहला रही है,
रिएक्शन फोर्स कहला रही है. सिमिलरली इसी तरह से टेकिंग अ जर्नल एग्जाम्पल, व्हेन यू आर वॉकिंग और रन ऑन द ग्राउंड, जब आप ग्राउंड पर भाग रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड विथ योर फीट, आप ग्राउंड को पुश करते हो बैकवर्ड पीछे की तरफ अपने पाँव से, एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में द ग्राउंड मेक्स यू मूव फॉरवर्ड. ग्राउंड क्या करता है, आप पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, यानी कि आपको फॉरवर्ड मूव करता है, आगे की तरफ चलने में हेल्प करता है. दीज आर ऑल्सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज, ये भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं. एक्शन क्या है, यूर फीट इज पुशिंग ग्राउंड बैकवर्ड एंड द रिएक्शन इज ग्राउंड इज मेक यू मूव फॉरवर्ड. ओके, हियर इज अ डायग्राम. ठीक है, आप पीछे पुश कर रहे हो, ग्राउंड आपको आगे पुश कर रहा. द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी. अगेन एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करती. एक्शन अप्लाइज टू वन बॉडी, एक्शन एक बॉडी पर अप्लाई होता है एंड द रिएक्शन एक्ट ऑन द अनदर बॉडी, जो रिएक्शन है वो दूसरी बॉडी पर होता है. देखिए बॉल थी, ये एक बॉडी है, ये एक्शन कर रही है किस पर, वॉल पर. बॉल रिएक्शन दे रही है किस पर, बॉल पर. दैट्स वाई बॉल आई वॉल पर लगी, बॉल ने रिएक्शन दिया, बॉल को हिट करके दूर फेंक दिया. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट. ओके, बॉलर आपको बॉल करवाता है, आप बॉल को हिट करते हो, डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है. ऐसा ही तो नहीं है सेम डायरेक्शन में तो नहीं जाती है ना, जिस डायरेक्शन में आप बॉल करवाते हो. ठीक है, तो एक वो फोर्स जो बॉलर ने बॉल करवाते हुए बैट्समैन को लगाई. ठीक है, बॉल पे फोर्स थी, बैट ने हिट किया बॉल को और वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, नाउ हेयर इज एन एक्टिविटी, यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी बाय योर सेल्फ, टेकिंग द गाइडलाइन फ्रॉम योर पेरेंट्स. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. आई एम गाइडिंग यू, सॉरी मैं आपको गाइड कर रही हूँ, बट आप यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल. पास अ वाइट थ्रू अ सोडा वाटर स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ लें. ठीक है, जूस की स्ट्रॉ भी ले सकते हो, बट बड़ी वाली स्ट्रॉ लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा. स्ट्रेच द वायर टाइटली बिटवीन टू फिक्स्ड हुक, दो चेयर्स ले सकते हो आप, वायर एक्सटेंड करें, कोई भी वायर ले लें, दो चेयर्स के दरमियान या दो कॉर्नर्स के दरमियान उसे टाइटली बांध दें, लेकिन स्ट्रॉस के बीच में डालेंगे आप. ठीक है, उस वायर में इन्फ्लेट ऑन अब्लॉन्ग बेलून एंड प्रेस इट्स नेक विथ योर हैंड कीपिंग द बेलून अलॉन्ग द स्ट्रॉ. आपने क्या करना है, एक बेलून लेना है, उसे इन्फ्लेट करना है, यानी कि उसे फुला लेना है और उसे टेपिंग से स्कॉच टेप से अटैच कर दीजिए. डबल एंडेड टेप आती है वो ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगी. ठीक है, अच्छे तरीके से उसे मतलब इसके साथ अटैच कर लेना, बट बेलून का जो कॉर्नर है उसे, जहाँ से जो एज है उसे अपने हाथ में पकड़े रखना है. ठीक है, ज्वाइन दम विद द हेल्प ऑफ स्कॉच टेप, आपने यहाँ से स्कॉच टेप से ज्वाइन कर देना है. रिलीज द नेक बेलून की नेक में, देखिए आपने होल्ड करके रखना है ताकि हवा बाहर नहीं निकले. तो जब आप ये सारा काम कर चुको, पूरा ऑपरेटर स्टडी कर चुको, तो आपने क्या करना है, आपने बेलून की नेक को छोड़ देना ताकि हवा बाहर निकले. ठीक है, इन विच डायरेक्शन डज द बेलून मूव, आप देखेंगे बेलून किस डायरेक्शन में जाएगा, हवा बैकवर्ड पुल कर रही होगी, बेलून आगे की तरफ जा रहा होगा. ठीक है, दिस इज एक्शन ऑफ एयर एंड द रिएक्शन इज दैट योर बेलून मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. This is the activity you have to perform. This activity to make it clear what this action and what is reaction forces. Okay, बहुत interesting activity है, आप लाजमी ये कीजिएगा. Okay, student, in today's lecture we have seen force and motion and we have also seen the different effects of force and we have also read about the Newton's law of motion which state that for every reaction there is equal and opposite reaction and we have taken the example of a tennis ball and we have also studied the example of walking and running. Okay, hope so aapko topic acche se samajh mein aa gaya hoga. Inshallah we will meet in next lecture and we will continue this topic as well. And we will read further.
ओके इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फ़ियामन.